हेलो दोस्तों, आप सबको सुविधा का वित्त भवानी में स्वागत है। मैं हूँ भवानी। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। मैंने धागे को 8 लेयर्स में बना के एक नोटबुक करके रख दिया है। ओके, अभी कपड़े के पीछे हम धागे को रख के सुई को पीछे लेके धागे को आगे लेके अभी लॉक कर दिए। अभी दो लॉक कर रही हूँ। दो लॉक होने के बाद अभी चार चैन डाल देना है। 2, 3 और 4। चार चैन होने के बाद अभी वापस लॉक करना है। लॉक करने के बाद वापस चार चैन लेना है। 3 और 4। चार चैन होने के बाद कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। लॉक करने के बाद में एक ओवल शेप का बीड ले रही हूँ और एक ड्रम बीड ले रही हूँ। दोनों को एक साथ ही लेना है। एक साथ लेने के बाद अभी सुई में ले लिया। सुई में लेने के बाद वापस अभी धागे में डालना है। धागे में डालने के बाद यहाँ पे एक नॉट डालना है। नॉट डाल के कहाँ पे आता है वहाँ पे देखे एक लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे चार चेन डालना है। चार चेन डाल के कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। अभी वापस दूसरा चेन डाल रही हूँ। दूसरा चेन डाल के चार चेन डाल के मैंने यहाँ पे कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के एक लॉक कर दिया। अभी वापस दो बीड लेना है। दो बीड लेने के बाद धागे में लेके लॉक कर देना है। लॉक करके कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। ओके, मैं वापस अभी चार चेन डाल के यहाँ पे लॉक कर दी। यहाँ पे भी चार चेन डाल के मैंने कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक कर दिया है। वापस अभी मैं दो बीड लेके सुई में लेके धागे में ट्रांसफ़र करके धागे को लॉक कर दिया मैंने। बीड को लॉक कर दिए। बीड को लॉक करने के बाद चार चेन डालना है। चार चेन कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक कर दिए। वापस अभी चार चेन डाल के कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक कर दिया। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे दो लॉक किए थे ना, अभी एंडिंग में भी दो लॉक करके दो चेन डाल के अभी मैं कट कर दिए। अभी थोड़ा टाइट कर दिए। ओके, टाइट करने के बाद यहाँ पे नॉट डाल के सेकेंड लाइन स्टार्ट कर रही हूँ। लॉक कर दिए यहाँ पे। स्टार्टिंग का चेन, चार चेन लॉक था ना, वहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें लॉक करना है। एक लॉक कर दिया मैंने और अभी दूसरी लॉक ले लिया है। दूसरी लॉक लेने के बाद अभी हमको क्या करना है, तीन चेन डालना है। 2 और 3। तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट चार चेन लॉक था ना, वहाँ पे बीच में कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के एक लॉक कर देना है या सिंगल क्रोशेट डाल देना है। सिंगल क्रोशेट डालने के बाद अभी हमको क्या करना है, 3 डबल क्रोशेट लेना है। सुई में धागे को दो बार लेके बीड्स के अंदर से बाहर लेना है। अभी 2 में 1 बार लेना है। 2 में 1 बार धागे को लेना है और 2 में 1 बार लेना है। वापस सुई में 2 बार धागे को लेके बीड्स में से बाहर लेके आना है धागे को और 2 में 1 बार लाना है। 2 में 1 बार लाना है धागे को और 2 में 1 बार धागे को बाहर लाना है। ऐसे किए तो 3 डबल क्रोशेट हो जाएगा। अभी इस बीड में कितना ट्रिपल क्रोशेट होता है उतना हमको करना है। ओके, अभी सेम प्रोसीजर फॉलो करते जाना है। आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा है तो मेरे वीडियो में राइट साइड में आपको 3 डॉट दिखेगा, वहाँ पे क्लिक किए तो आपको प्लेबैक करके एक ऑप्शन दिखेगा नीचे। आपको वो क्लिक किए तो वहाँ पे आपको स्लो मोशन का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहिए तो वहाँ पे स्लो मोशन करके भी देख सकते हो। ट्रिपल क्रोशेट को बीड के अंदर ज़्यादा भी नहीं डालना है, कितना आता है उतना ही डालना चाहिए।
अभी मेरे ये लास्ट ट्रिबल क्रोशेट है, लास्ट ट्रिबल क्रोशेट हो गया। अभी कितना 12 ट्रिबल क्रोशेट हो गया है मेरा इस बीड में, और हर बीड में सेम ट्रिबल क्रोशेट डालना है, मतलब 12 ट्रिबल क्रोशेट डालना है। अभी मैं वो नीचे 4 चैन का लॉक था ना, वहाँ पे डाल दिए है। यहाँ पे 3 चैन लॉक नेक्स्ट 4 चैन लॉक में डाल के लॉक कर दिए। अभी मैं कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाती हूँ। अभी ये लास्ट में आके यहाँ पे मैं लॉक कर दिया है। लॉक करके मैं यहाँ पे 3 चैन डाल के नेक्स्ट 4 चैन लॉक में लॉक कर दिए है। अभी बचा हुआ धागे को भी मैंने पीछे ले लिया है। अभी लास्ट लॉक में यहाँ पे डाल रही हूँ। लास्ट लॉक डालने के बाद 2 चैन डाल के मैं कट कर दी और थोड़ा सा टाइट भी कर दिए है। और यहाँ पे मुझे कुछ या टजल्स डालना है। कुछ या टजल्स डालने के बाद ऐसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, शायद आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए, और इन चारों प्लेलिस्ट में से एक प्ले करके देखिए, आपको यहाँ पे भी अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू।